बेस्ट टाइम आ चुका है आईफोन्स खरीदने का, और ये बेस्ट टाइम होता है जिसपे आईफोन्स पे इतनी सारी डील्स आपको देखने को मिलती है, और अमेजॉन की सेल आ गई है, फ्लिपकार्ट की सेल आ गई है, जिसमें आपको भर भर के डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये एक राइट टाइम होता है जब आईफोन्स पे इतने अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन्स जो आप उसको खरीद पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन सा आईफोन कितने प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा इस डील्स के अंदर, और इन डील्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट फुल होनी चाहिए, जिसके वजह से आप आईफोन्स को एक अच्छे प्राइस में खरीद पाओ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस रेगुलर से करते रहते हैं। सबसे पहले बात करें डील्स के बारे में, तो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन की डील्स आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, और अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे तभी आप इन डील का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डील्स बहुत चुटकी बदलती ही चीजें होती हैं, जब भी आईफोन्स की बात आती है तो एक एक सेकंड दो दो सेकंड के अंदर जो आपकी डील्स हैं, जो प्राइस हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको अपनी सारी डिटेल्स पहले फिल करके रखी रहनी चाहिए। और अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करोगे तो आपके पास ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, और अगर आप अमेजोन से बाय करोगे तो आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ज्यादातर डील्स जो है आपको इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं फोन्स के बारे में, आईफोन सबसे ज्यादा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आईफोन 12 की बात करें तो मेरे हिसाब से अब आपको आईफोन 12 को देखना भी नहीं चाहिए 2024 के अंदर, बिकॉज उसके अंदर 64GB का ही स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, और इन 2024 मेरे हिसाब से वो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, और इतने अच्छे कैमरेज और इतनी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं है। अब बात करते हैं आईफोन 13 के बारे में, तो 13 काफी अमेजिंग आईफोन हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है, बैटरी अमेजिंग है, स्टोरेज अमेजिंग है, कैमरा बहुत अच्छा है, और इसकी जो ओवरऑल जो बिल्ड है बहुत अमेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। वैसे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको कुछ 50,000 के आसपास की प्राइसिंग के एक्चुअल में चल रहा है, बट अगर डील्स की बात करें तो कुछ 37,000 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा आईफोन बन जाता है। इतने सस्ते में अगर आपको आईफोन 13 मिलता है तो बेस्ट डील होने वाली है। अगर बात करें आईफोन 14 के बारे में, तो आईफोन 13 और आईफोन 14 ज्यादा ही सिमिलर प्रोडक्ट है, इतना कोई मेजर डिफरेंस मुझे नहीं लगता है, और यहाँ पे आपको कुछ थोड़े फॉर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिनेमैटिक मोड आपको देखने को मिलता है जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है, फोकस मोड थोड़ा देखने को मिल जाता है, बाकी इतने ज्यादा अपडेट नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ आप आईफोन 13 ले सकते हो 38,000 में तो ज्यादा बेस्ट होगा, बट अगर आप आईफोन 14 की बात करो तो ये लगभग आपको 58,000 के आसपास आपको प्राइसिंग अभी चल रही है, बट डील प्राइस की बात करो तो ये आपको 43,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक डील है। अगर आप आईफोन 13 को लोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर बात करें 14 प्लस के बारे में, तो अगर आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए, एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, तो मेरे हिसाब से प्लस आपके लिए काफी अच्छा वेरियंट बन जाता है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये भी आपको कुछ 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब आप कहोगे कि भाई 14 फिर हम 14 क्यों ले या 13 क्यों ले जब 50,000 में कोई बड़ी डिस्प्ले मिल रही है। आपका यूजर्स है कि आपको क्या चीज चाहिए, अगर कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो आप उसको ले सकते हो, बाकी अगर आपको डिस्प्ले बड़ी चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो 49,000 के अंदर जो प्लस है वो एक अमेजिंग डील आपके लिए बन जाएगी। बात करें प्रो वेरिएंट्स के बारे में, तो मेरे हिसाब से प्रो वेरिएंट्स के अंदर भी कुछ डील्स आपको देखने को मिल सकती हैं, और ऐसा सुना है, मैं पढ़ा, इतना कंफर्म नहीं है कि प्रो वेरिएंट्स में आपको डील देखने को मिलेगी, बट ऐसे रूमर्स के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं कि 14 प्रो की अगर बात करें तो ये आपको कुछ लगभग 1,00,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है, और इसकी अभी प्राइसिंग जो है वो कुछ 80,000-85,000 के आसपास चल रही है। ये आपको डील में 75,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग डील बन जाएगी। और अगर प्रो मैक्स की बात करें तो अंडर 1,00,000 आपको देखने को मिल सकता है। और प्रो वेरिएंट्स की अगर मैं बात भी करूँ तो प्रो वेरिएंट्स काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं नॉन प्रो मॉडल्स के अकॉर्डिंग, और प्रो वेरिएंट्स कोई भी आप ले लो, चाहे 14 प्रो हो चाहे यहाँ पे 15 प्रो हो, वो दोनों ही स्मार्टफोन इतने ज्यादा अमेजिंग है, इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज ला के दे देते हैं, जिसकी वजह से एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए हो तो प्रो वेरिएंट्स की तरफ आप देख सकते हो, बट डील्स अगर मिलती है तभी आप उनकी तरफ जाते। अब बात करते हैं भाई आईफोन 15 के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे डिस्काउंट के साथ आने वाला है। अगर इसकी मेन प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 80,000 रुपए के आसपास अभी प्राइसिंग इसकी चल रही है, 75,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, बट डील की बात करें तो 50,000 रुपए के नीचे आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 50,000 के नीचे तो आने वाला है, बट ये सिर्फ 2 या 3-4 सेकंड्स के लिए ही होगा, उसके बाद ये फिर प्राइसिंग बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने पिछली बार सेल के अंदर देखा था कि लोगों के ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो रहे थे, या ऑर्डर प्लेस हो गए तो रिजेक्ट हो जा रहे थे, या ऑर्डर प्लेस हो गए तो लोगों के डिलीवर ही नहीं हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको अपने डेटा को प्रॉपर फीड करके रखना है,
आपको क्रेडिट कार्ड सारी चीजें फीड करके रखनी है, और जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत प्लेस कर देना है। फिर आपके लक वक अगर साथ देगा तो आप उसको 50,000 के नीचे खरीद पाओगे। बट अगर मैं ओवरऑल एक नॉर्मल प्राइस की बात करूं तो 60-65,000 के आसपास अगर डील आती है तो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 15, अगर आप उसको देखते हो। अगर बात करें 15 प्लस के बारे में तो ये आपको 73,000 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और इसको अगर आप खरीदोगे ऑफर वगैरह के अंदर तो 60-65,000 के आसपास इसकी भी प्राइसिंग यहाँ पे होने वाली, सिमिलरली प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 15 प्लस एक बेटर ऑप्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, बाकी सारे जो कैमरा फीचर्स वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। बट अगर बात करें प्रो वेरियंट्स के बारे में तो प्रो वेरियंट्स भी बहुत अमेजिंग आपको यहाँ पे डील्स के साथ देखने को मिलने वाले। तो अगर प्रो की बात करें तो 1,20,000 का ये लॉन्च हुआ था, 1,00,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर प्रो मैक्स की बात करें तो ये कुछ 1,20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो इसको थोड़ा बहुत अगर आप करोगे 1,40,000 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो 1,20,000 के आसपास ये डील में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये कहूँ कि प्रो वेरिएंट के तो इतना अच्छी डील तो नहीं है, बट हाँ 1,20,000 का 1,40,000 का स्मार्टफोन है 1,20,000 में आपको मिल रहा है, तो भाई 20,000 रुपये आपके कम तो हो रहे हैं, तो आप एक लिए अच्छी डील तो आपके लिए बनी जानी है। अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना था, आईफोन लेना था, और अगर आपको प्रो वेरिएंट लेना था, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डील ये आपके लिए बन जाती है। वैसे आईफोन 16 भी लॉन्च हो चुकी है, उनकी प्राइसिंग भी डीज वगैरह होगी कि 80,000 में सेम प्राइसिंग वगैरह आने वाली है, और जो आपको जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर भी 15,000 कम में ही जो आईफोन 16 है वो लॉन्च हुए, तो उसकी प्राइसिंग में तो कोई डील वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट यही कुछ डील्स थी जो आईफोन्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। सारे आईफोन्स के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, वहां से जाकर चेकआउट करेगा, और कौन सा आईफोन लेने के लिए आप एक्साइटेड हो आपके बजट के हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा। चलिए फिर आज के वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।